So in case you're wondering if this one is yet another video about Afghanistan and Taliban, you're probably right, you're probably wrong. I don't know. Ye video dekh lena aur decide kar lena. After seeing this whole incident, this whole chaos, there are things which are there in my mind. I just want to let them out. There are thoughts, there are perspectives. So in case you are thinking that this is just another video about Taliban, you're probably right, but you're probably wrong. So suddenly this few days back, we all saw this whole madness, this whole weird militia, army, I don't know the right term, this fanatics, zombies took over a country, jo dil mein aara kar de rahe. Haan, just like her, jo dil mein aara kar de rahe, kuch bhi tod sakte hain, kuch bhi kaat sakte hain, just like this fucker. Ye sab dekh ke mere dimag mein ek baat aati hai aur wo batana chahta hoon ki, does that mean कि अगर आपके पास मनी या पावर नहीं है तो आपकी कोई नहीं सुनने वाला. When I saw the horrifying images of people boarding the plane, the flight, अंदर जाके चेक इन करके नहीं, बाहर लटक के, जैसे कि वो हरियाणा रोडवेज की बस में जा रहे, आपको ये समझना पड़ेगा कि एक इंसान कितने ज्यादा प्रॉब्लम में हो सकता है कि उसको किसी प्लेन के बाहर लटकना पड़ जाए. दैट ही थॉट कि शायद जमीन में रहना मेरे लिए ज्यादा खतरनाक है वनस्पत इसके कि मैं आसमान में प्लेन में उड़ता रहूं. एंड टू मेक समवन बिलीव दैट यू हैव टू बी रियली ब्रूटल. और ये सब कुछ देख के मेरी फट जाती है कि जब मैं देख रहा हूं कि ये सब हो रहा है, यूएन सो रहा है, यूएसए क्या कर रहा है, हम सब देख ही रहे, कोई मदद नहीं कर रहा अफगानिस्तान की. विच इज प्रूव्स कि इफ यू डोंट हैव पावर, बी इट फाइनेंशियल और फिजिकल माइट, Nobody gives a fuck about you. और ये बात सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशन के लिए नहीं है, ये बात अप्लाई होती है रियल लाइफ में भी, शायद आपके स्कूल्स में, आपके कॉलेजेस में, एवरीवेयर वेयर आई पर्सनली फील लाइक वी डोंट हैव एन इन्फ्लुएंस. आपका SBI में आपका पासबुक अपडेट नहीं होने वाला. एक्सप्लेन मी वन थिंग, हाउ डिफिकल्ट इट इज कि आज दुनिया के कंट्रीज अलायंस बना के तालिबान को खदेड़ दें. हाउ डिफिकल्ट इट इज, बट नोबडी विल डू इट बिकॉज उनके अपने पर्सनल फायदे हैं. इसका मतलब ये है जब लाइफ में आपके गुंडे आपके पीछे आ जाएं, गलत लोग आपके पीछे पड़ जाएं, ज्यादातर केस में लोग आपकी मदद नहीं करते क्योंकि वो सब अपना फायदा देखते हैं. रशिया की तरह, यूएस की तरह, उनको ऑयल चाहिए, उनको वहां के लोगों से कोई हमदर्दी नहीं. ये सब बात मैं अफगानिस्तान के पर्सपेक्टिव में कह रहा हूँ, बट आप इस सबको अपनी लाइफ में भी कह सकते हो कि हो सकता है घटिया लोग आपके जिंदगी में आ जाएं और कोई आपके लिए खड़ा नहीं होगा. यू गो टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, यू विल सी पीपल इन डिस्ट्रेस एंड Nobody cares about them. अब ये तो मेरा रैंट हो गया, इसका सोल्यूशन क्या है? मेरे अपने लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग से जो सोल्यूशन मैं सोच पाता हूँ वो ये है कि हमें अपने आप को एम्पावर करने की ज़रूरत है, पॉजिटिवली खुद को एम्पावर करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम एम्पावर्ड नहीं हैं तो दुनिया फक नहीं देती. तो उसके लिए क्या करना चाहिए? पर्सनली बचपन से मुझे ऐसा लगता था हमेशा, और शायद अब लगता है कि मैं सही ही था. अगर आप सोसाइटी में अपने स्टैंडिंग से फाइनेंशियली या फिर आपका रेप्यूटेशन एक स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है तो आपको बहुत मुश्किलात होती हैं, जैसा कि मैंने कहा, पासबुक तक अपडेट कराने में. वरना आपके सामने एक इन्फ्लुएंशियल इंसान आएगा, अपने स्टाफ को भेजेगा और वो पीछे से ही पासबुक अपडेट करा के चला जाएगा और आप 4 घंटे से लाइन में बैठे रहोगे और फिर आपको बोला जाएगा कि अब लंच टाइम है, फक ऑफ. वी हैव टू बी मोर प्रोएक्टिव टू बिकम समथिंग इन लाइफ. अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए, आप बिजनेसमैन हो तो आपको और अपने आप को इवॉल्व करना चाहिए ताकि आप और स्ट्रांग बन पाओ. अगर आप एक एम्प्लॉई हो तो आपको इतनी शिद्दत से और इतना बढ़िया काम करना है दैट यू बिकम समथिंग, दैट यू रीच टू अ पोजिशन इन लाइफ वेयर पीपल रिस्पेक्ट यू एंड यू गेट योर थिंग्स डन. एंड व्हेन आई से दैट यू शुड गेट योर थिंग्स डन, आई डोंट मीन कि आप अनफेयर प्रैक्टिस करो, बट आई सिंपली मीन इज दैट यू बिकम वर्दी इनफ फॉर द सोसाइटी टू एक्सेप्ट यू, डोंट बिकम अफगानिस्तान. क्योंकि आज उन लोगों के अंदर पावर नहीं है, अफगानिस्तान के लोगों के अंदर, तो दुनिया उनकी मदद नहीं करती. अगर आज वही कोई फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री होती और इसका 1% इंसिडेंट भी होता तो पूरी दुनिया खड़ी हो जाती है उनके लिए. एंड सिमिलरली इन द रियल प्रैक्टिकल लाइफ ऑफ आर्स, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, अगर हम फाइनेंशली एम्पावर्ड हैं, हम स्ट्रांग हैं, तो लोग हमारी मदद करते हैं एंड वाइस वर्सा. यू सी रिक्शे वाले की पिटाई हो जाएगी खुलेआम, गरीब रेहड़ी वाले की पिटाई हो जाएगी, उनके उनका पूरा का पूरा, उनकी ठेली उड़ा दी जाएगी और कुछ नहीं होता क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल पावर नहीं है.
वो मजबूत नहीं है, पर वही जिन लोगों की पावर है सोसाइटी में, दे गेट अवे बाय डूइंग एनी रैंडम शिट एंड नोबडी गिव्स अ डैम। और ये जो मैं पूरा केओस देख रहा हूँ, ये सब देख के मेरे दिमाग में यही आता है और इसी बारे में मैं बात करना चाहता था। बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग सो ग्रेट इनसाइट, बट नाउ टुडे आई वॉन्ट टू मेक इट एंड आई जस्ट डिड। और अब ज़्यादा कंसिस्टेंट रहने की कोशिश है। मिलते हैं अगली बारी।